27 हफ्ते की प्रेगनेंसी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत दे दी। अबॉर्शन कराते वक्त बच्चा जिंदा पैदा हुआ। मुंबई से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां हाल ही में कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात की इजाजत दे दी, लेकिन गर्भपात के दौरान ही बच्चा पैदा हो गया और वो भी जिंदा। महिला 27 हफ्ते की गर्भवती थी, लेकिन उसे कई तरह की शारीरिक समस्याएं थी, जिसमें दिल में छेद ही गंभीर समस्या भी शामिल है। और ऐसे में डॉक्टरों ने उसे जल्द से जल्द गर्भपात कराने को कहा, लेकिन इसके लिए कोर्ट की इजाजत जरूरी थी, क्योंकि एक दुर्लभ मामला था। कानूनी रूप से अधिकतम 24 हफ्ते पुराने गर्भ को ही खत्म करने की अनुमति है, लेकिन महिला का गर्भ उससे अधिक हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला दादरा और नगर हवेली के सिलवासा की रहने वाली है और उसकी उम्र 20 साल है। बीते मार्च में उसे गर्भवती होने का पता चला। उसे सब कुछ ठीक था, लेकिन 25 जुलाई को अचानक ही उसे खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई। अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिल में छेद है। हाईकोर्ट ने गर्भपात की इजाजत तो दे दी, लेकिन बच्चा जिंदा पैदा हो गया। पैदा हुआ बच्चा 484 ग्राम का है। इसके बीएनसी के वकील सागर पाटिल ने कोर्ट में ये जानकारी दी है और महिला की स्थिति फिलहाल ठीक है, लेकिन कोर्ट ने मामला की गंभीरता को देखते हुए साफ तौर पर ये कहा है कि महिला और बच्चे को तब तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं दिया जाए जब तक महिला पूरी तरह ठीक ना हो जाए।